हेलो फ्रेंड्स, पेनक्रियाज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है। पेनक्रियाज से एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विकास सिंगला है। आज हम एक महत्वपूर्ण कंडीशन एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के बारे में बात करेंगे। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का मतलब है कि पेनक्रियाज में स्वेलिंग आ जाना, जिससे नाभि के ऊपरी हिस्से में अचानक बहुत ही सीवियर पेन हो सकता है। तो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस किन कारणों से होता है? एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के जो सबसे कॉमन कारण है वो है गॉल ब्लैडर में स्टोन होना, शराब पीना, ब्लड के अंदर कैल्शियम और लिपिड का बढ़ जाना, या फिर पेट में चोट लग जाना। यहाँ हम देख सकते हैं कि पित्त की नली और पेनक्रियास की नली बहुत पास पास है। यदि गॉल ब्लैडर का स्टोन खिसक कर पित्त की नली में आता है तो वो स्टोन पेनक्रियाज की डक्ट को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि पेशेंट को एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होता है। तो गॉल ब्लैडर के स्टोन से जो पेनक्रियाटाइटिस होता है, ज़्यादातर फीमेल पेशेंट्स में होता है और ये 40 से 50 साल की उम्र में ज़्यादा होता है। और यदि कुछ लोग शराब ज़्यादा पीते हैं, ज़्यादा का मतलब है 50 ग्राम अल्कोहल पर डे से ज़्यादा शराब पीते हैं, तो उनको भी एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा यदि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है, कुछ लोग विटामिन डी सप्लीमेंट लेते हैं, विटामिन डी सप्लीमेंट से ब्लड के अंदर कैल्शियम कई बार ज़्यादा हो जाता है। हमारे गले में एक पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड से अगर हार्मोन ज़्यादा निकल रहा है तो उससे ब्लड के अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो सकता है और पेशेंट को एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। और यदि ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ज़्यादा है, यदि ट्राइग्लिसराइड 1000 के आसपास है, जो नॉर्मल वैल्यू ट्राइग्लिसराइड की है वो 150 तक होती है, यदि किसी के ब्लड में ट्राइग्लिसराइड 1000 से ज़्यादा है तो उसको भी एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी को पेट में चोट लगी है, दोस्तों कई बार स्कूल में बच्चों को सिटिंग बेंच से पेट पर चोट लग जाती है, या फिर साइकिल के हैंडल से या कार के स्टेयरिंग से पेट में चोट लग जाती है, जिससे कि एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। अब एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के सिम्टम्स क्या हैं? एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का जो सबसे मेन सिम्टम है वो है पेट के ऊपरी हिस्से में सीवियर पेन होना। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में अचानक नाभि से ऊपर पेट में सीवियर पेन होता है। ये पेन कमर में जाता है और साथ में पेशेंट को उल्टी आती है और गैस निकलना कम हो जाती है। इसके अलावा पेट फूल जाता है। तो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस को हम डायग्नोस कैसे करते हैं? यदि पेशेंट को क्लासिकल पेन है कि नाभि से ऊपर और पीछे बैक में जा रहा है, ब्लड के अंदर सीरम अमाइलेज और लाइपेज, अमाइलेज और लाइपेज पेनक्रियाज के एंजाइम्स हैं, यदि ब्लड में अमाइलेज और लाइपेज की मात्रा नॉर्मल से 3 गुना ज़्यादा है, या फिर अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन में पेनक्रियाज में स्वेलिंग है, इन 3 पैरामीटर में से अगर 2 पॉजिटिव हैं तो हम एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस को डायग्नोस करते हैं। अब अगला सवाल है कि हम पेनक्रियाटाइटिस को मैनेज कैसे करते हैं। पेनक्रियाटाइटिस के पेशेंट को हम एडमिट करते हैं, आईवी फ्लूइड स्टार्ट करते हैं और मुंह से कुछ भी लेने के लिए मना करते हैं। फिर हम पेनक्रियाटाइटिस की सीवियरिटी को असेसमेंट करते हैं। पेनक्रियाटाइटिस के अराउंड 80% ऑफ पेशेंट्स को माइल्ड पेनक्रियाटाइटिस होता है। माइल्ड पेनक्रियाटाइटिस का मतलब है कि पेशेंट को कोई भी ऑर्गन फेलियर नहीं है। 20% लोगों को सीवियर पेनक्रियाटाइटिस होता है। इन पेशेंट्स को ऑर्गन फेलियर हो सकता है। कुछ पेशेंट्स को लंग्स में दिक्कत आती है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत आती है और ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। कुछ पेशेंट्स की किडनी पर फर्क पड़ता है, जिससे क्रिएटिनिन बढ़ जाता है और यूरिन कम आना शुरू होता है। इन पेशेंट्स को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों को बीपी कम हो जाता है, जिसके लिए हम दवाइयों से बीपी को बढ़ाना पड़ता है। तो ये ऑर्गन फेलियर पेनक्रियाटाइटिस के फर्स्ट वीक में होता है। जैसे जैसे टाइम बीतता है ऑर्गन फेलियर इम्प्रूव करते हैं और पेशेंट्स को कुछ लोकल कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। लोकल कॉम्प्लिकेशन में पेनक्रियाज के जो जूसेस हैं वो लीक होना शुरू हो जाते हैं और पेनक्रियाज के चारों तरफ पानी भर जाता है। इसे हम पेरीपेनक्रियाटिक फ्लूइड कलेक्शन बोलते हैं और इस पानी के अंदर इन्फेक्शन भी हो सकती है। यदि मरीज की कंडीशन में सुधार नहीं होता है या सीवियर पेन होता है या बुखार आता है, तो इस फ्लूइड को हम ट्यूब डालकर ड्रेन करते हैं। इस ट्यूब को हम या तो एंडोस्कोपी करके पेट के अंदर से ही डाल देते हैं या कुछ लोगों को हम बाहर से ट्यूब डालते हैं। और आमतौर पर पेनक्रियाटाइटिस की इन्फेक्शन को ठीक होने में 2 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। अगला सवाल है कि हम पेनक्रियाटाइटिस के पेशेंट को डिस्चार्ज कब करते हैं।
मरीज को बुखार नहीं है, कोई भी ऑर्गन फेलियर नहीं है, किसी भी ऑर्गन सपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो ऐसे मरीजों को हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगला सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि हम पैंक्रियाटाइटिस को दोबारा होने से कैसे रोक सकते हैं। दोस्तों, पैंक्रियाटाइटिस को दोबारा रोकने के लिए हमें उसके कारण को ट्रीट करना है। यदि मरीज के गोल्ड ब्लैडर में स्टोन है तो हमें गोल्ड ब्लैडर को ऑपरेशन करवाना है। यदि मरीज शराब पीता है तो शराब को बिल्कुल बंद कर देना है, स्मोकिंग को बिल्कुल बंद कर देना है। यदि ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा है तो हमें कैल्शियम को कम करने की दवाइयाँ शुरू करते हैं और जिस कारण से कैल्शियम बढ़ा हुआ है उसका इलाज करते हैं। यदि मरीज के ब्लड में लिपिड ज़्यादा है तो लिपिड को हम दवाइयों से कम करते हैं। तो यदि एक बार हम पैंक्रियाटाइटिस के कारण का इलाज करते हैं तो उसके बाद बार बार एपिसोड को होने से रोका जा सकता है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि हम पैंक्रियाटाइटिस को आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट संभव है। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गोल्ड ब्लैडर स्टोन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनका इलाज कैसे करते हैं और क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस क्या है और पैंक्रियाटिक कैंसर का इलाज कैसे करते हैं। थैंक यू।